हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार एंड सुबह का टाइम है। मायका का स्कूल के लिए रेडी कर रही थी तो उसके ना नीचे के दो दांत हिल रहे हैं। अभी वो नीचे गिरे ही नहीं है, बस हिल रहा थोड़ा सा, हल्का सा। मतलब उसको ना अभी भी, मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था, कुछ टाइम पहले चबा के खाने में ना उसको थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो बेचारी पूरी पराठा ये सब कुछ तो स्कूल लेके ही नहीं जा पाती, तो उसके लिए मुझे रोज़ सुबह उठ के राइस ही बनाना पड़ता है। कभी लेमन राइस कुछ, कभी टोमेटो राइस हो गया, कभी कुछ वेजिटेबल डाल के उसके लिए वेजिटेबल राइस की तरह, लेकिन राइस ही बनाना पड़ता है उसको। आई थिंक फ्रंट में सामने की तरफ से ना इस साइड में एक, इस साइड में एक उसको दो दांत चबान, मतलब पेन हो रहे हैं आजकल, धीरे धीरे हिल रहे हैं वो। तो पराठा वराठा कुछ भी चबाएगी तो उसमें लग जाता है, तो फिर बहुत तकलीफ़ हो जाता है। एंड वैसे आज महेंद्र भी 9 बजे से पहले ही ऑफिस जाने वाले हैं, तो आज ना बहुत कुछ बन रहा है। अभी माहिका के लिए लंच बन रहा है, महेंद्र के लिए लंच बन रहा है, महेंद्र खा के जाएंगे, ब्रेकफास्ट अलग से बन रहा है, माहिका के लिए स्कूल के लिए 2 टिफ़िन अलग से बन रहा है यहाँ पे। तो माहिका अभी उठ गई थी, अभी वहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा, 7 नहीं बजा था अभी। चाय भी साथ ही साथ बना ले रही हूँ, क्योंकि फिर मोक्ष ना भी ये चले जाएंगे माहिका को छोड़ने के लिए, फिर आने के बाद टाइम नहीं हो पाएगा मोक्ष के साथ। वो फिर फीड लेके सोने में उसके लिए आधा घंटा लग जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैंने छोले सुबह सुबह ही इसको बॉईल कर लिया था, रात को मैंने भिगो के रखा हुआ था। एकदम सिंपल तरीके से बनाऊँगी। 2 प्याज मैंने ले लिया है, अदरक लहसुन कूट के बस इसमें मैंने ऐड करा है, उसके बाद टमाटर वगैरह सब कुछ ऐड करके जितने मसाले थे वो ऐड करा, छोले ऐड करा, पानी ऐड करा, पानी बॉयल होने के बाद छोले सब कुछ ऐड करके ना इसको अभी सीटी लगा दूंगी। बहुत हड़बड़ी हड़बड़ी भी मैं बना रही थी। एंड यहाँ पे लंच बन ही रहे थे, छोले का सीटी आया नहीं था, मायका के लिए छोले नहीं था लंच, ये महेंद्र के लिए था। मायका के लिए लेमन राइस पैक हो गया था, फ्रूट्स में एप्पल हो गया था, वो हल्दी वाला दूध पी के जाती है सुबह सुबह, वो भी हो गया, वो नहा लेती है, रेडी हो जाती है। बस बाल बनाने में ना मेरा 10 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं, कुछ भी कर लो। ये वीडियो में थोड़ा सा फॉरवर्ड करा हुआ है ना, तो इतना जल्दी जल्दी लग रहा है, इतना धीरे करती हूँ ना, फिर भी उसका हमेशा से वैसा ही है। तो बस वो भी रेडी हो गई है, अब बस अभी उसको महेंद्र छोड़ने के लिए चले जाएंगे। मोक्ष ना सो रहा था, जस्ट अभी उठा था, मतलब मायका गई घर से निकली, मोक्ष उठा था, तो उतने में उसको फिर से दोबारा सा मैंने फीड करा के मैंने उसको सुलाया। एंड यहाँ पे महेंद्र भी रेडी हो रहे हैं ऑफिस के लिए, मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे इनके लिए। मायका तो पराठा नहीं लेगी, वो सुबह चलेगी। मैंने फिर उसके बाद आटा गूंद के रख लिया था, फिर यहाँ पे सब्जी भी बन गई थी, पराठा, दाल भी बन गया था, चावल भी बन गया था। मैंने दाल चावल भी इसी के लिए बना लिया, क्योंकि ये ऑफिस चले जाएंगे ना आज, फिर महेंद्र को, माही को, सॉरी मोक्ष को ना पूरे दिन में मेरे को ही संभालना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, जब वो जगा हुआ रहता है कभी कहीं, कई बार आजकल वो जो नहाने के बाद वाला नींद होता है ना वो स्किप कर लेता है, तो अगर वो स्किप कर लेता है ना तो मैं और कुछ भी नहीं कर सकती। तो साथ ही साथ भी मैं सारा ही कुछ बना ले रही हूँ कि माही के आने के बाद का लंच, हमारा लंच, सब कुछ ही बन रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे टाइम हो रहा है 10, मोक्ष भी उठ गया है, महेंद्र भी ऑफिस चले गए हैं, मोक्ष यहाँ पे ब्रेकफास्ट करा रही है उसको नॉर्मली ना। अभी थोड़ा समय उसको नीचे बिठा के ऐसे एक नॉर्मली फीडिंग चेयर पे बिठा के खिलाने की आदत तो है उसको, लेकिन बिना फीडिंग चेयर के मैं उसको खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्या हो रहा है, वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है फीडिंग चेयर में ना, वो खड़ा हो जाता है, या तो फिर अभी हम लोग घर भी जाएंगे तो सिर्फ फीडिंग चेयर ना बहुत मुश्किल होगी। लास्ट टाइम मुझे ये दिक्कत बहुत हुई थी, बिना फीडिंग चेयर के ना वो खा नहीं रहा था, तो मैं उसको अभी थोड़ा सा नीचे बिठा के खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, ग्लास में पानी देने की कोशिश कर रही हूँ, कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस तो साल भर के बच्चे जब हो जाते हैं वो करते ही हैं हम लोग। एंड इसको देखो, इसको पता है कैमरा है, मेरा शक्ल देख रहा है यहाँ पे वो बहुत खुश हो जाता है कैमरा देख के। आजकल तो हाय करना, बाय करना, शेक हैंड, बड़ा सबके साथ घुलने मिलने लग जाता है। अभी टाइम हो रहा है 11, मायका स्कूल चले गई है, महेंद्र ऑफिस चले गए, तो 9 बजे वो चले गए। मोक्ष को नहा के मैंने भी आज थोड़ा जल्दी उसको चला दिया है, मुझे लगा काम खत्म हो गया, लेकिन फिर थोड़ा सा मैं क्लीन करने बैठी तब ना मेरे को उसमें 2 गाजर एंड छोटा सा एक बीट मिला, जो कि आई थिंक आज नहीं बनाते तो कल तक खराब हो जाता, तो उसको ही बस ऐसा ग्रेट करके बना दे रही हूँ। एंड उसका ऐसा प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डाला क्योंकि सब्जी थोड़ा सा कम है। तो कल है 26 जनवरी, सोनू का बर्थडे, एंड मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दो हम लोग इतना ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे इस बार, जैसे कि पहले मायका का फर्स्ट बर्थडे हम लोगों ने जिस तरीके से मनाया था वैसे तो हम लोग नहीं बनाने वाले हैं। तो उस वक्त हम लोग रेस्टोरेंट में जाके बुक करा था, होटल बुक करा था, मेरी बड़े मामा, बड़े मामी, मेरे दो देवर, देवरानी, मेरे इन लॉज, मम्मी पापा, सोनू,
एंड हमारे जो भी फ्रेंड सर्कल है यहाँ पे चेन्नई में सब लोग आए हुए थे, लेकिन इस बार पता है ना मेरे घर से कोई आ पाएंगे ना, क्योंकि सोनू का भी जो शादी की जो फर्स्ट होता है सेरेमनी वो 27 को है, तो मम्मी पापा सोनू भी नहीं आ पाएगा। सोनू अगर बैंगलोर में होते तो वो भी आ जाता, सोनू नहीं आ पाएगा। मेरे ब्रदर इन लॉ उनका भी मैरिज है अभी, तो वो तो कनाडा से आ गए हैं, वो भी घर पे है, मतलब मेरे ससुराल में है अभी, तो मम्मी पापा नहीं आ पा रहे थे। वो लोग वहाँ पे शादी की तैयारी कर रहे, कार्ड वगैरह सब कुछ छप रहा है, बहुत सारे काम होते हैं ना यार वहाँ पे, तो वहाँ पे सारा वो सब लोग बिजी है, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो बहुत बुरा लग रहा था कि फर्स्ट बर्थडे अगर फैमिली हो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है थोड़ा सा मनाने के लिए, तो सोच रहे थे कि करेंगे फर्स्ट बर्थडे, नहीं तो सेकंड बर्थडे तो सब लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे। हमारे जो भी फ्रेंड्स थे 26 जनवरी ऐसे वीकेंड में पड़ रहा है एक दिन, तो सब लोग जो भी क्लोज में थे कुछ कुछ हम लोग वो भी वेकेशन पे चले गए, तो हमें लगा कि रहने देते हैं, देखो क्या करते हैं, प्लान करते करेंगे तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूर देखो क्या होता है। बट थोड़ा सा अफसोस है कि इस बार घर से कोई भी नहीं आ पाएंगे, तो फिर चलो। एंड मुझे मैंने पैकिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, अभी ऑलमोस्ट 15 दिन रह गया होगा, जनवरी छोड़ दो ख़त्म हो गया अभी, तो उसके बाद 15 दिन ही गिन के 2 हफ्ते हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसमें से भी 2 वीकेंड ही मुझे मिलता है, सैटरडे संडे, जो कि मैं प्रॉपरली कुछ कर पाती हूँ अगर इनको बच्चों को पकड़ते हैं, महेंद्र माँ मोक्ष को स्पेशली, अदरवाइज तो उतना भी नहीं हो पाता है करना, पर मैंने अपना कर लिया है, मोक्ष के लिए लिया है, माहिका के लिए बहुत प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ती है उस एज के लिए ना। एक सेकेंड, मैंने अपने यहाँ पे 2 पाउचेस अलग अलग कर रही थी, स्किन केयर का अलग, मेकअप का अलग, एंड बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं ना मुझे अलग अलग करके पैक करने पड़ रहे, क्यों मैं आपको वो आगे आगे ब्लॉग में पता चलेगा, अभी कितना बताओ। तो कुछ कुछ रेडी करा था शादी के लिए लेने के लिए, तो ये बी ब्लंड का है, एंड हेयर्स पे कुछ भी हेयर स्टाइल बनाने के लिए सिंपल सा ही बनेगा, बहुत ज़्यादा तो मेरे से नहीं बन पाएगा, ये भी बी ब्लंड का ही है, एंड बहुत अच्छा अमेज़ॉन से लिया था। वैसे भी अमेज़ॉन से ना अभी 26 जनवरी से 31 जनवरी तक सेल स्टार्ट हो गया है, मेगा फैशन डे सेल, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप लोग वहाँ जाके ले सकते हो। एंड ये एक आईब्रो किट है, साथ साथ ये नेक्स्ट एक ब्लशर किट है, ब्लशर पैलेट में ना ये 2 कलर है, थोड़ा सा लाइट न्यूड पिंक, न्यूड है एक पिंक कलर में है, इसको आप एज आई शेडो लगा सकते हो, थोड़े से शिमरी है, एकदम बटरी जैसे क्रीमी टेक्स्चर है ना उसका वैसा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, मैंने लगाया हुआ था एंगेजमेंट के टाइम पर भी, मैंने इसको यूज़ करा हुआ था, बहुत ही नेचुरल सा शेड है इसका, बहुत अच्छा लगता है, एंड पिंक ना एकदम से नेचुरल पिंक लगता है उसको लगाने के बाद। एंड मंगलसूत्र मैंने लिया था, तो ये वाला उसके साथ एक मैंने ऑर्डर दूसरा करा था उसके साथ ही एक आया है, इतना ज़्यादा थे मतलब मोटा नहीं है वो, पतला सा ही है, मुझे ये वाला इतना खास नहीं लगा, एक्चुअली ये मैंने ऑर्डर नहीं करा था, ये मैंने ऑर्डर करा था, इसके साथ वो वाला भी आया हुआ है। एंड ये वाला जो था अमेज़ॉन से भी, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, वहाँ से ले सकते हो। वैसे पहले भी मैंने अमेज़ॉन से मंगलसूत्र वगैरह लिया है, बहुत ही अच्छे लगते हैं डिज़ाइंस इसके, एंड ये थोड़ा सी ट्रैवल टाइम पे थोड़ा सा सही रहेगा, आपको पता चलेगा मैं क्यों बता रही हूँ। तो ये वाला भी बहुत अच्छा है, इसको लेना है तो आप ले सकते हो। एंड मैंने अभी जो गले में पहना हुआ है ना वो वाला मंगलसूत्र भी अमेज़ॉन से ही लिया था। अभी ना ये जो सोने का मेरे पास था, 2 छोटे पतले पतले जो मैंने डेली यूज़ करती थी, वो मोक्ष दोनों ही उसने तोड़ दिया है, मैं अभी उसको दोबारा से नहीं पहनना चाहती क्योंकि वो खींच लेता है। एंड यहाँ पे ना 2-3 बार मोक्ष ने वैसा करा, तो इसी के लिए मैंने अभी ऐसे वाले पहनना शुरू कर दिए जब तक वो थोड़ा सा बड़ा नहीं होता। उसके बाद ये है ब्राउन का, ये एपिलेटर, ये इमरजेंसी के लिए बहुत बहुत फ़ायदा करता है, आपके अपर लिप्स हो, आपके चिन एरिया के हेयर हो वगैरह क्लीन करने के लिए। एंड साथ ही साथ ये है एक ट्विस्टर की तरह है, इससे ना आप अपर लिप्स कर सकते हो, फोरहेड कर सकते हो, क्योंकि आप कितना भी पार्लर जाके थ्रेडिंग करा लो लेकिन एक हफ्ते बाद थोड़े बहुत ग्रोथ थोड़ा बहुत तो निकलना स्टार्ट हो ही जाता है। इसको ना मैं करीब 7 साल से मैंने यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगता। बहुत लोग बोलते हैं स्किन निकल जाएगा, ब्लड निकल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। कौन खोलो हैं? ओ माय गॉड, इसको देखो मोक्षित। हाँ बस मैं यहाँ पे बॉटल, फीडिंग बॉटल को स्टेरिलाइज करूंगी एंड मोक्ष नीचे गिरा के नीचे से खाएगा। बस फाइनली मेरा लहंगा आ गया है, ये लहंगा नंबर 1 है, इसको मैं पूरा ओपन करके नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को।
अभी दिखा दूंगी तो फिर क्या ही रहेगा, बट मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि क्या ही बताओ। मैं चाहती हूँ अभी शादी हो जाए ये लहंगा देखने के बाद। बहुत बहुत एंड ना मेरे ये इतने भारी है, इतने स्पेस ले रहे, इतने बड़े बड़े इतने स्पेस ले रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि इसके लिए ही एक अलग से बैग हो जाएगा। मैं इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। मैं ना पहले सोच रही थी कि रेड कलर या फिर ऐसा कुछ मैं लूंगी, फिर लगे नहीं यार ब्राइड भी वही कलर पहनेगी, मैं भी वही कलर पहनूंगी, रख देते हैं वो रेड मेरू नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे रेड कलर की साड़ियाँ भी हो गई है शादी के लिए, तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लेते हैं। तो ये ना उसका दुपट्टा कलर है, लेकिन डार्क कलर में दुपट्टा, बस ऐसे लाइट कलर में आया हुआ है। इतना प्यारा सा कुंदन का वर्क हुआ है ना इसमें, पूरा कुंदन वर्क है, पूरा थ्रेड वर्क एंड कुंदन वर्क में है, इतना शाइनी क्या बताएं। इसमें आपको दुपट्टे से आई एम श्योर कुछ भी पता नहीं चलने वाला है, बट फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड देखो कैसे होता है यार, कितना जल्दी 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 दिन वगैरह सब कुछ जा रहे। वहाँ तो मेरी मम्मी के यहाँ पे मेरी नानी सब लोग आना भी स्टार्ट हो गए हैं। सो उनकी पहली जो मतलब फर्स्ट फंक्शन होगी ना, क्या बोलते जो बरिया नहीं डालते हैं फर्स्ट में, जैसे शगन की बरिया डालते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पता नहीं यार आप लोगों के साइड में क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मेरे को नहीं पता। ये ड्रेस का यही प्रॉब्लम है, ये अंदर वाला कपड़ा ना हमेशा से बाहर आ जाएगा, हमेशा हमेशा से यही एक प्रॉब्लम है इस ड्रेस के साथ। तो फिर बस और क्या, ये देखो कितना प्रिटी लग रहा है, मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा इससे। आई एम श्योर आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, बट एक कलर कॉम्बिनेशन ये वाला, ये इसमें ये वाला है मेरा लहंगा एंड ये वाला है इसका दुपट्टा, एंड चोली भी यही कलर का है ये, एंड एक और है लहंगा वो अभी आया नहीं है, देखो कब तक मुझे मिलता है स्टिच होके। ये तो मिल गया है, वो वाला कब आता है मुझे स्टिच होके पता नहीं, अभी मुझे नहीं समझ में आ रही है लहंगा का दुपट्टे का, इतना बहुत ही बड़ा सा दुपट्टा है, इसको कैसे स्टाइल कर रहा है देखती हूँ, फिटिंग वगैरह सब कुछ देखती हूँ कैसे परफेक्टली फिट हुआ है कि नहीं है। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड, आपको कैसा लग रहा है बताओ मेरे चेहरे से। बाकी साड़ियाँ वगैरह सब कुछ पैक ऑलमोस्ट हो गया है मेरा, एंड मेरे आधे सामान में इतना हो रहा है ना, पता नहीं चल रहा कि वो दो दो शादियाँ यार घर पे, एंड तैयार तो होंगे सभी लोग होंगे, तो कितना कुछ लेके जाना पड़ेगा, कितना सूटकेस हो जाएगा मैं सोच रही हूँ ट्रैवल करने के लिए। तो फिर चलो इसको यहीं पर एंड करते हैं, एंड आई नो मैं थोड़ी सी डिले हो जा रहा है मेरे वीडियो में, बट पता है मेरे को बहुत ही कम टाइम आजकल मिल रहा है मोक्ष के साथ, उतना कम टाइम में वीडियो नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, मैं ब्लॉग बना सकती हूँ एडिट कर सकती हूँ, लेकिन उतने टाइम में ना मैं कुछ ना कुछ कहीं पर कभी टेलर के पास भाग के चली जाती हूँ, कभी साड़ी देने के लिए भाग के चली जाती हूँ, फॉल्स वगैरह। आज देखो आज मैं गई थी ये वाला, उसको जाके वो दीदी को सब कुछ मतलब यहाँ पे जो टेलर है उनको देकर आई कि आप ये वाला साड़ियाँ देकर आई पहले, क्योंकि वो लोग रख लेंगे, इतने पांच पांच साड़ियाँ देकर आई कि उसको फॉल्स लगवा लो, एंड जो थ्रेड नहीं होता उस वो सब कुछ थोड़ा सा सही कर लो ठीक है। एंड ये वाला देखो इसको सारा ब्लाउज का मैंने कट करके लेकर आई हूँ, जब वो साड़ियाँ देगी तब मैं ये वाला ब्लाउजेस सारे उनको स्टिच करने के लिए दूंगी, ये वाला एंड ये वाला। ये आई थिंक मैं स्टिच नहीं करूँगी, ये एकदम से प्लेन में है तो मैं नहीं करने वाली हूँ, सो लेट्स सी देखो क्या होता है इसका। तो वही क्या करेंगे, इसी में ही टाइम चला जा रहा है, जाओ आओ। अभी ऊपर आप मोक्ष की आवाज़ सुन सकते हो, महेंद्र है आज ऑफिस मतलब घर से काम हो रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए उनको देख कर आया कि चलो मैं लहंगा ट्राई करके देखती हूँ कैसा हुआ है। तो मैं तो घर जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ अभी फिलहाल। तो चलो एंड करते हैं, एंड आपके साथ मैं शेयर करूँगी वो जो भी घर में रस्में होगी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। बर्थडे भी है कल, उसके भी थोड़े बहुत प्लानिंग्स करने पड़ेंगे अभी से। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना, एंड आई नो मैं थोड़ी सी डिले हो जा रहा है, बट अभी और एक हफ्ते बाद आपको कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी आई एम श्योर ठीक है। तो चलो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।